हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल खाना खजाना में स्वाति पवार में। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ मेथी की गर्मा गर्म खस्ता करारी कुरकुरी पूरियाँ। चलिए दोस्तों, हम मेथी की खस्ता कुरकुरी करारी पूरियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे ले लिया है फ्रेश मेथी, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसे हमने अच्छे से साफ कर लिया है, धो लिया है 2 से 3 पानी। जैसे कि आप देख रहे हैं फ्रेश मेथी है ये। अब हम इसे बारीक बारीक करके कट कर लेंगे। इस तरीके से मेथी ले लेनी है, नाइफ की सहायता से इसे बारीक बारीक कट कर लेना है। जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरीके से बहुत ही आसानी से मेथी मिल जाती है मार्केट में, और विंटर में घरों में भी बहुत सारी लगाई जाती है। हमारे सेहत के लिए मेथी बहुत ही अच्छी होती है, फायदेमंद होती है, गर्म होती है ये। तो इस तरीके से सारी मेथी को हम बारीक बारीक कट कर लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरीके से कर लेना है। जैसे कि आप देख रहे हैं मेथी हमारी अच्छे से कट करके हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच से थोड़ा कम नमक। नमक डालने पे मेथी का जो है वो सॉफ्ट हो जाती है मेथी हमारी, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे हम और 5 मिनट के लिए इसे रख देंगे। मेथी हमारी यहाँ पे सॉफ्ट हो जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं 5 मिनट हो चुका है, मेथी से हमारा पानी निकल चुका है। जैसे कि आप देख रहे हैं सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे सूखे मसाले। हमने यहाँ पे 2 मिर्ची को बारीक बारीक कट कर लिया है, इसे डाल देना है। अगर आप चाहते हैं तो मिक्सी में आप मिर्च को पीस भी सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन को हमने कद्दूकस कर लिया है, इसे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। थोड़ा सा हींग ले लिया है हमने, अगर आपको हींग नहीं पसंद है तो आप इसे स्कीप कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर डालेंगे जीरा, 1/2 चम्मच के करीब जीरा डाले हैं। जीरा से पूड़ियाँ हमारी बहुत ही अच्छी बनती है। अब इसमें थोड़े से कलर के लिए हमने हल्दी लिया है, हल्दी डाल देंगे। 1/2 चम्मच से कम हमने यहाँ पे रेड चिली पाउडर ले लिया है, इसे डाल देना है। इसका स्वाद बढ़ाने के लिए थोड़ा सा हम यहाँ पे डाल देंगे गरम मसाला। गरम मसाला से इसका स्वाद दोगुना बढ़ जाता है। अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक हमने पहले भी डाल दिया था, उसके हिसाब से हम थोड़ा कम ही नमक डालेंगे। आप अपने स्वाद अनुसार नमक कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल हमने यहाँ पे ले लिया है 2 चम्मच के करीब, इसे डाल देंगे। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इस तरीके से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स हो जाएगा ये, जैसे कि आप देख रहे हैं मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे गेहूं का आटा। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से गेहूं का आटा कम या ज्यादा कर सकते हैं। हमने यहाँ पे 1 कटोरी के करीब लिया है, इसे अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसमें पानी ज्यादा डालने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि मेथी जो है हमारी वो सॉफ्ट है। अगर जरूरत हो तो ही इसमें पानी डालेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सूखा सूखा सा लग रहा है ये आटा हमारा। अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। इस तरीके से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें यहाँ पे एक डो तैयार कर लेना है, रोटी के आटे के जैसा। रोटी के आटे से थोड़ा सकते ही हमें डो रखना है यहाँ पे, जैसे कि आप देख रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं डो हमारा बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है, लग चुका है हमारा डो। इस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी रख लेनी है, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब हम इसमें डालेंगे हल्का सा ऑयल। इसमें हल्का सा ऑयल डाल देना है, जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरीके से। ऑयल डालने से हमारी पूरियां जो है वो अच्छी खस्ता बनके तैयार होती है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने रख देंगे। 10 मिनट हो चुका है हमारे डो को रखे हुए। अब हम इसे छोटी छोटी करके लुइया तोड़ लेनी है, जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरीके की। आपको जितनी बड़ी पूरियां बनानी है उतना आप अपने हिसाब से लुइया बना सकते हैं। इस तरीके से लुइया बना लेंगे और पूरियां बना लेंगे हम इन लुइयों से। अब हम यहाँ पे एक लुइया ले लेंगे। इस तरीके से लुइया ले लेनी है। इसमें हमने ऑयल लगाया है तो इसमें आटा लगाने की जरूरत नहीं। अगर आप चाहते हैं तो इसमें हल्का हल्का आटा लगा सकते हैं। इस तरीके से हम इसे पूरी का शेप दे देंगे, पूरियां बना लेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरीके से कर लेना है। जैसे कि आप देख रहे हैं पूरी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। इसे हमें हल्का थोड़ा सा मोटा ही बनाना है। इसी तरीके से सारी पूरियों को हम बना लेंगे। सारी पूरियां हमारी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब हम यहाँ पे ऑयल गरम करने रख देंगे। ऑयल हमने गरम करने रख दिया है। ऑयल हमारा गरम हो रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं। ऑयल हमारा यहाँ पे गरम हो चुका है। हमने थोड़ा सा टुकड़ा डाल के देखा तो अच्छे से
ऊपर आ रहा है। अब हम एक एक करके पूरियां डाल देंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरीके से। गैस का फ्लेम हमें यहाँ पे लो टू मीडियम ही रखना है ताकि हमारी पूरियां अच्छे से फ्राई हो जाए, सिक जाए, जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरीके से करना है। आप इसमें एक एक करके दो तीन पूरियां डाल सकते हैं जितनी आपकी कढ़ाई में आ जाए। अब हम इसे पलट देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं पूरियां हमारी दोनों साइड से अच्छे तरीके से सिक चुकी है, बहुत ही खस्ता करारी और क्रिस्पी पूरियां बनके तैयार हुई है हमारी। इस तरीके से हम पूरियों को निकाल लेंगे और बाकी पूरियों को भी हमें इसी तरीके से बना लेना है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है, सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है, बच्चों के टिफिन के लिए, नाश्ते में, स्नैक्स के तौर पे हम इन्हें बना सकते हैं। बहुत ही झटपट से बनके तैयार हो जाती है हमारी मेथी की पूरियां। जैसा कि आप देख रहे हैं गर्मा गर्म खस्ता करारी मेथी की पूरियां हमारी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत ही खस्ता पूरियां बनके तैयार हुई है हमारी ये। तो आप भी मेरे तरीके से मेथी की पूरियां जरूर बनाइएगा, यकीन मानिए सबको बहुत ही पसंद आएगी, बच्चों के टिफिन के लिए और चाय के साथ स्नैक्स के तौर पे भी आप इसे बना सकते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की मेरी रेसिपी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।